शिवपुरी में नगर परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई एजेंडे सामने रखे गए और कई एजेंडे पर मुहर भी लगाई गई। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष शिवपुरी विधायक देवेंद्र एवं सभी पार्षदों ने मिलकर परिषद में हुई बैठक को संपन्न करते हुए शिवपुरी के दो ठेकेदारों में से एक को ब्लैकलिस्टेड करने का कहा था। साथ ही शिवपुरी में पानी की समस्या का भी जल्द ही समाधान करने की बात कही है। बैठक क्या, मैं तो जानता हूँ कि देवेंद्र जैन का परिवार है। 40 साल पहले मैं पार्षद के रूप में बैठता था, आज पदेन सदस्य के रूप में उपस्थित रहा। हमारे सभी पार्षद भाई बहनों को ये समझाने का प्रयत्न किया कि शिवपुरी नगर अपना एक पूरा परिवार है और आप सब 39 और देवेंद्र जैन मिला के 40 लोगों का उद्देश्य एक है कि शिवपुरी क्षेत्र का विकास और यहाँ के लोगों की समस्याओं से छुटकारा दिलाना सबका उद्देश्य एक है। सोच या रास्ते थोड़ा अंतर हो सकता है, तो अपन सामंजस्य सद्भाव से उसको हल करें और शिवपुरी के विकास में सभी लोग एक साथ जुट जाए। मैंने अपने ओर से इतना भी आग्रह किया कि मैं कभी भी चुनाव के बाद दलगत राजनीति नहीं करता। क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस के लोग हों, निर्दलीय हों, भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य दल के, हम सब शिवपुरी के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। तो मुझसे कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी काम के लिए 24 घंटे आ सकता है, कह सकता है, बता सकता है। मैंने कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से बात की, क्षेत्र के विकास के लिए फंड्स की कमी है, तय कर लेंगे, पार्टी भी तय कर लेंगे। कुछ मुझको प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है, उसी तारतम्य में मैंने आज 39 पार्षदों से ये कहा कि अपने अपने विकास वार्ड में विकास के लिए 10-10 लाख रुपए के प्रस्ताव जो तुम्हारे वार्ड में आवश्यक काम है उस काम के लिए जो बहुत आवश्यक है उसके लिए आज ही मुझको देने का कष्ट करें। एक जो नगर पालिका जिस कंडीशन में दौड़ से गुजर रही है, एक आर्थिक स्थिति कमजोर है नगर पालिका, क्योंकि बड़ा फंड कहीं और पेमेंट कर दिया गया, ऐसे में फंडिंग को लेकर जो पूर्व सीएम ने घोषणा की थी 8 करोड़ रुपए संधिकरण के नाम पर देने की, उस घोषणा का उस बजट को लाने के लिए किस तरह के प्रयास आपके दल के विकास को रुकाई है? बिल्कुल, जो वो आप तय कर ले, विद्युत के लिए ही था वो, सौंदर्यीकरण को था ये आपका पार्क वगैरह, मैं समझ गया, मैं मंच में था क्योंकि सीएम भी बदल गए, कोई दिक्कत नहीं है। घोषणा तो सरकार तो वही है और मुख्यमंत्री की जो घोषणा होती है वो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो एक कानून है। अभी तो एक ही दल की मुख्यमंत्री पहले थे और आज है, यदि दूसरे दल का भी हो जाए तो नियमानुसार कानूनन वो घोषणा माने कानून, उसकी पूर्ति अपन करेंगे, करवाएंगे। आपने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश किया, अगर आपके द्वारा अगर काम नहीं करते तो आप अल्टीमेटम क्या रहेगा? पैसा भी निकल रही है, आप क्या कार्रवाई करोगे? आप जो जानते हैं कि विधायक के अधिकार क्षेत्र में उनको पनिशमेंट करने का कोई अधिकार है? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विधायक के पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता कि मैं उनको दंडित कर सकूं। तो फिर आपकी बात मानेंगे नहीं, फिर बैठक की कार्रवाई शुरू की जाए, चलो अभी पार्षद डर जाए, सब पार्षद वो तो गया सस्पेंड, आज से नगर पालिका में नहीं दिखाई देगा। अध्यक्ष जी, आज बैठक हुआ आपका और बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा भी हुई, कुछ पे सहमति बनी, कुछ पे असहमति बनी, क्या रहा बैठक का मुद्दा आज? हमारी बैठक बहुत अच्छी हुई, सारे मुद्दे पास हुए, एक मुद्दा ऐसा था बाजार का जो समझ में नहीं आया, उसको अगली बार के लिए रख लिया है। और हमने आज आशा कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट किया है, उन्होंने मेरे शहर को खराब किया है, मेरे पार्षदों को परेशान किया है, पानी के ठेकेदार ने मेरे पार्षदों को परेशान किया है, उस पर कार्रवाई की गई है। और हमारा एक कर्मचारी जो हमारे पार्षद से बदतमीजी कर रहा था उसको आज हटा दिया नौकरी से। अद्दी उस पर शायद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उसके, फिर भी यहाँ पे यहाँ पे जॉब कर रहा है नगर पालिका। इस तरह के कर्मचारी कोई भी क्रिमिनल नगर पालिका में काम कर रहा है
और मेरी पार्षदों को पता है, आपको पता है, तो मैं उसको नगर पालिका से निकालने का काम करूंगी। अभी किन किन खिलाफ, किन किन के खिलाफ ब्लैकलिस्टेड कार्रवाई की है? कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक, और पानी के ठेकेदार के, उसके खिलाफ भी हुआ ब्लैकलिस्टेड का, दो के खिलाफ हुआ है कार्रवाई। आगे और क्या प्लान किया आपने? अब जो भी काम होंगे और कोई भी ठेकेदार हमको इस तरह से परेशान करेगा तो मेरे पार्षद लिख के देंगे और उसको हम स्वतः ही ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ऐसा मुद्दा भी हमने पास किया है। अभी जो कर्मचारी को आपने सस्पेंड करने की बात कही है, क्या आरोप है उस पर? वो सस्पेंड नहीं, मेरे पार्षद से बदतमीजी से बात किया और मारने के लिए खड़ा हो गया, और मैं इस तरह के कर्मचारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो मेरे पार्षद के साथ बदतमीजी करेगा उसको तत्काल प्रभाव से नौकरी से निलंबित किया जाएगा। अध्यक्ष, ये बताया जा रहा है कि वो कर्मचारी ऑलरेडी सस्पेंडेड है, वो बैठक के अंदर जो कमरे में भी गलत रूप से था, सस्पेंडेड कर्मचारी है वो। बिल्कुल, इसकी हमें जानकारी नहीं थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। क्या उसको नौकरी से हटाया जाएगा पूरी तरह? बिल्कुल, नौकरी से हटाई दी है, काय की नौकरी है। तो लास्ट में जो मुद्दा उठा, जो बहस हुई, अर्पित जी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए, स्वच्छता का रखा, उसमें भी कोई मतलब सिस्टमेटिक काम नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स का बहाना दे देते हैं, हर वार्ड की हर एक ही समस्या है कि स्वच्छता के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। और ना कहते हैं तो कर्मचारी कहते हैं हमें सैलरी नहीं मिल रही, उससे ठेकेदार से कहो तो कहता है मेरा पेमेंट नहीं हो रहा। तो सब चीज़ों में कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा रहा है, हो क्या रहा है। इसके अलावा शिवपुरी के 39 वार्ड के पार्षदों से शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने कहा है कि मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात हुई है। उन्होंने शिवपुरी के 39 वार्डों के पार्षदों से 10-10 लाख रुपए के प्रस्ताव मांगे जो अपने वार्डों में काम कर सके। वहीं शिवपुरी के नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने एक कर्मचारी को भी बर्खास्त करने की बात कही, क्योंकि पार्षद से अभद्रता करने पर कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। मधुभाषी प्रदेश के लिए शिवपुरी से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।